हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू G3 लर्निंग क्लास। होप ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, मोशंस ऑफ द अर्थ। और बेटा, एवरी डे यू नोटिस डेट द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बट इन फैक्ट वास्तव में बेटा, सन इज ए स्टेशनरी। सन क्या है? स्टेशनरी है, वो बिल्कुल स्थिर है। एंड द अर्थ इज मूविंग कॉन्स्टेंटली अराउंड द सन। और जो हमारी अर्थ है, अर्थ के इसके सन के चारों तरफ मूव करती है। और बेटा, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट को थ्रू ए एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए, यू आर ट्रैवलिंग बाई ए ट्रेन। आप किसके द्वारा आपको ट्रैवल कर रहे हैं? ट्रेन के द्वारा। और वाइल लुकिंग आउटसाइड, जब आप ट्रेन से बाहर की तरफ देखते हैं, यू सी डेट द थिंग्स एंड द जो फीचर्स आउटसाइड द ट्रेन सेम टू बी मूविंग। वो किस कंडीशन में आपको दिखाई देती है? मूविंग कंडीशन के अंदर आपको दिखाई देती है, इन द अपोजिट डायरेक्शन में। बट बेटा, रियलिटी में, वास्तव में, दीज फीचर्स एंड द थिंग्स आउटसाइड द ट्रेन आर स्टैटिक। वो कैसी होती हैं? बिल्कुल स्थिर होती हैं। जबकि हमारी जो ट्रेन है इज मूविंग होती है, वो आपकी कंडीशन में रहती है। सेम वैसे ही वी आर मूविंग विद आवर अर्थ। हम क्या कर रहे हैं? अपनी अर्थ के साथ हम मूव कर रहे हैं। बट द सन एंड द अदर जो स्टार्स है आर स्टैटिक होते हैं। और बेटा, इन दिस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द रोटेशन एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? रोटेशन ऑफ द अर्थ। और बेटा, यू हैव सीन अ टॉप, आपने देखा ना एक जो लट्टू होता है डेट स्पिन ऑन इट्स ऑन, आपके एक्सिस के ऊपर जो घूमता रहता है। सेम वैसे ही आवर अर्थ इज ऑल्सो स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, अपनी जो एक्सिस के ऊपर है घूमती रहती है। और जो रोटेशन किसको कहा जाता है? दिस कंटिन्यूस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है जो स्पिन करती है ऑन इट्स एक्सिस के ऊपर, डैट इज कॉल्ड द रोटेशन। वो क्या कही जाती है? रोटेशन कही जाती है। और हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है? इट रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में बेटा? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारी रोटेट करती हैं। और द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस, एक बार जो रोटेट करती हैं इन द 24 आवर्स के अंदर। और बेटा, दिस स्पीड ऑफ द अर्थ का रोटेशन का इज कॉल्ड द अर्थ डे। उसको क्या कहा जाता है? अर्थ डे कहा जाता है। और इट रेफर्स टू द डेली मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो हमारी जो अर्थ की जो रोटेशन है यही मेन कॉज होती है ऑफ द डे एंड नाइट का। नाउ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है बेटा झुकाव, यानी कि हमारी अर्थ का आपके एक्सिस के ऊपर कितने एंगल के ऊपर झुकी हुई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट। और बेटा, द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच द अर्थ स्पिन्स, हमारी जो एक्सिस है, जो दूरी है जिसके ऊपर हमारी अर्थ स्पिन करती है, घूमती है, इज ओनली एन इमेजिनरी लाइन। वो कैसी है? एक इमेजिनरी लाइन होती है डेट जॉइंस द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था ना, वो किसको ज्वाइन करती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को है ज्वाइन करती है। और द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, वो कितनी झुकी हुई है? फ्रॉम द वर्टिकल लाइन से विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ के सेंटर से आपके पास आउट होती है, एट एन एंगल ऑफ द 23.5 डिग्री। किस एंगल पर बेटा? 23.5 डिग्री के एंगल पर, राइट साइड में, या फिर आपका 66.5 डिग्री लेफ्ट साइड से फ्रॉम द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, जो हमारे ऑर्बिट की है उसकी धुरी से। और बेटा, दिस टिल्ट ऑफ द एक्सिस का डैट इज नॉन एट द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। वो क्या कहा जाता है? इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस का, यानी कि हमारी अर्थ की एक्सिस की झुकाव है कहा जाता है। और द प्लेन आपका फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, डैट इज कॉल्ड द आपका अर्थ ऑर्बिट प्लेन, उसको क्या कहा जाता है? अर्थ ऑर्बिट प्लेन कहा जाता है। और बेटा, यू कैन सी आपका अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। नाउ बेटा, सी दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम को देखिए। और बेटा, द एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ का जो एक्सिस का है रिमेन्स सेम, वो हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है। और दिस टिल्ट, वो कितना झुकता है? दिस टिल्ट ऑफ द 23.5 राइट साइड फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन से एंड 66.5 लेफ्ट साइड फ्रॉम द ऑर्बिटल आपका प्लेन से। और इट नेवर चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। और बेटा, जो हमारा इंक्लाइनेशन
ऑफ द अर्थ एक्सिस का जो जो आपका झुकाव होता है वो हमेशा है रिमेन्स द सेम आपका पोजिशन रखता है ड्यूरिंग द आपका रोटेशन आपका पीरियड के दौरान। और बेटा जो हमेशा है हमारी जो अर्थ रिमेन्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन के अंदर आपका झुकाव रखता है इट रिमेन्स आपका इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ रहता है और दिस डायरेक्शन नेवर चेंज ये इसकी जो डायरेक्शन है कभी भी चेंज नहीं होती है। एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिटल आपका जो प्लेन पे द एक्सिस इज ऑलवेज पैरेलल जो हमारी एक्सिस होती है वो कैसे होती है हमेशा पैरेलल रहती है टू इट्स पोजिशन से। और एट एनी अदर टाइम ऑफ द ईयर किसी भी आपके उसके द्वारा यू कैन सी इन दिस डायग्राम आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। और बेटा आपको पता है ना कि आपकी आपकी डिफरेंट आपकी जो पोजिशन है ऑफ द अर्थ की हैज़ बीन सोन आपकी दिखाई गई है एट विच जिसके अंदर है अर्थ इज आपका इंक्लूडेड इन द सेम इच पोजिशन है आपकी रखती है यानी कि हमारी जो ऑर्बिट का आपका इंक्लाइनेशन है जो झुकाव है इट रिमेन द सेम रहता है जब वो आपकी रिवॉल्यूशन है आपका कवर करती है। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा जो हमारे अर्थ रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट्स है। फर्स्ट है आपका क्या बेटा अक्यूरेंस ऑफ द डे एंड नाइट मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे जो डे और नाइट मेन किसका कोज होते हैं किसके कारण होते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन के कारण। और बेटा आपने देखा है ना कि जो सन है राइजेज होता है इन द ईस्ट में एंड सेट्स इन द वेस्ट के अंदर बट बेटा यू हैव नेवर नोटिस दैट द डिफ्यूज रेड आपका जो रेड कलर का आपका जो कलर होता है या फिर ऑरेंज लाइट का होता है डेट अमर्ज जो कि आपका कब आपको दिखाई देता है इन द स्काई के अंदर बिफोर द सनराइज से पहले एंड आफ्टर द सनसेट के बाद। और दिस आपके डिफ्यूज लाइट आर नोन एज द डाउन एंड डस्ट उनको क्या कहा जाता है डाउन और डस्ट कहा जाता है। और बेटा आपको पता है कि आपका जो सुबह का जब हमारा जब सूरज निकलता है सनराइज होता है तो आसमान में स्काई के अंदर है हमारा जो कैसा कलर आपको दिखाई देता है सूरज के पास आपका रेड कलर का आपका है जो रिफ्लेक्ट है वो आपको दिखता है सेम वैसे ही जब हमारा सनसेट होता है तो आपको ऑरेंज कलर का जो है कलर है आपका रिफ्लेक्ट होता है। और दिस पोजीशन इज कॉल्ड द डाउन एंड डस्क उस पोजीशन को क्या कहा जाता है डाउन और डस्क कहा जाता है। और बेटा एक्यूरेंस ऑफ द डे एंड नाइट की इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस वो कैसी है हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। और द सन इज ओनली क्योंकि जो सन क्या है सन इज द मेन आपका सोर्स ऑफ द लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ मेन सोर्स कहाँ है हमारे लाइट और हीट का सन है। और बेटा जो अर्थ है इज ए स्पेरिकल आपकी शेप में पाई जाती है इसलिए आपका हाफ ऑफ इट्स सरफेस का विच इज फेसिंग जो कि आपका सीध में पड़ता है बिल्कुल फेस में रहता है फ्रॉम आपका सन से विल बी लिट अब वो क्या करता है आपकी रोशनी रखता है बाय द सनरेज से। और जो आपका जो पोर्शन है ऑफ द अर्थ आपका फेसिंग द सन जो आपका सन की तरफ आपका दिखता है एक्सपीरियंस डे वहाँ पर क्या ऑकर होता है डे ऑकर होता है। और इन कॉन्स्टेंट आपका दूसरी तरफ आपका पिछला जो आपका जहाँ पर सन की जो है रे आपकी अप्रोच नहीं हो पाती द हाफ पार्ट को डैट आपका फ्रॉम द सन से इट रिमेन्स द राइट वहाँ पर क्या आपकी रहती है नाइट आपकी पाई जाती है। नाउ बेटा सी दिस डायग्राम आप देख सकते हैं कि इट इज़ आवर सन और डैट इज़ आवर अर्थ और जो हमारा अर्थ का डैट पार्ट डैट रे आपका रिमेन द फेसिंग द सन रे के आपके बिल्कुल सीध में रहता है इट एक्सपीरियंसेस द डे वो क्या रखता है डे रखता है। अदरवाइज जहाँ पर हमारी जो सन रेज है आपकी रीच नहीं हो पाती है इट हैव द आपका नाइट वो क्या रखता है नाइट आपका रखता है। इस तरह बेटा रोटेशन कोज द डे एंड नाइट का कोज बनती है। और बेटा जो हमारी अर्थ की रोटेशन है इट कॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड ओशन करंट्स यानी कि जो हमारी ओशन जो करंट्स होती हैं और जो हमारी विंड की जो डायरेक्शन होती है उसको भी चेंज करने का मेन आपका जो कोज क्या होता है आपकी रोटेशन ऑफ द अर्थ होती है क्योंकि हमारी जो अर्थ के घुमाव के कारण ही हमारी जो विंड की डायरेक्शन है चेंज होती हैं वो मूव करती हैं सेम वैसे ही हमारी जो ओशन करंट है आपका डिफ्लेक्टेड होती है फ्रॉम इट्स पाथ अपने पाथ से। और बेटा जो रोटेशन है कोज ए आपको किसके कारण आपकी बनती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका विच जहाँ पर कहाँ पर जनरेट होती है ये फोर्स इट जनरेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ये आपकी ज़्यादातर मैक्सिमम पाई जाती है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर और इसी के कारण ही अवर अर्थ हैज ए स्लाइट ब्लज आपका यानी कि थोड़ी सी उभरी हुई होती है एट द इक्वेटर के ऊपर एंड द फ्लैट पाई जाती है एट द पोल साइड की तरफ।
बेटा आपने कभी सोचा है कि इफ़ द अर्थ डिड नॉट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, कभी आपकी जो अर्थ है अपने एक्सिस के ऊपर जब मूव नहीं करेगी, व्हाट वुड हैपन, क्या होएगा? इन दिस केस के अंदर बेटा वन पार्ट ऑफ द अर्थ यानी कि जो पार्ट हमारी अर्थ का है वुड हैव फेस्ड डार्कनेस, जो डार्कनेस रखेगा, एंड द अदर जो हमारे जो पार्ट हैव रिमेंड द लाइट, वो हमारी लाइट रखेगा। और बेटा जो आपका सन जो फेसिंग पार्ट है यानी कि अर्थ का वो पार्ट जो सन की फेस की तरफ है ऑफ द अर्थ का, वुड हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, वहाँ पर सदा के लिए आपका डे आपका ऊपर हो जाएगा, जिसके कारण है हमारा डेट आपके जो एरिया है रिसीव द हीट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल है आपके जो हीट है रिसीव करता जाएगा। वाहिल जबकि हमारे जो अदर पार्ट जो हाफ पार्ट है एंड डेट आपका एक्सपीरियंस द आपका डार्कनेस रखेगा, वो ऑलवेज आपका कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा ऑल द टाइम, और जिसके कारण बेटा आपको पता है कि लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल हो जाएगी ऑन द अर्थ के ऊपर इन सच आपका एक्सट्रीम कंडीशन में, क्योंकि वी कैन नॉट लाइव आपका इन द आपका डेट इज द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के अंदर, एंड वी कैन नॉट लाइव आपका इन द आपका एक्सट्रीम हॉट कंडीशन के अंदर। और बेटा इसके कारण है देयर वुड बी नो डिफ्लेक्शन, कोई भी आपका डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होएगा इन द डायरेक्शन ऑफ विंड के अंदर एंड द ओशन करंट के अंदर, यानी कि वी कैन से कि लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, आपकी जो लाइफ है पॉसिबल नहीं हो पाएगी ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर। नाउ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, और बेटा आपको पता है कि द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो हमारी अर्थ है जब सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है डैट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसको क्या कहा जाता है, अर्थ की रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और अर्थ टेक्स 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन है कितने टाइम पीरियड के अंदर आपका कंप्लीट करती है, इट टेक्स द 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड द 45 सेकेंड्स के अंदर। और बेटा इसलिए जो नॉर्मल ईयर हैज़ द 365 डेज रखता है, इस वास्ते जो हमारी जो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ का अर्थ है डैट इज कॉल्ड द एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ, उसको क्या कहा जाता है, एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और बेटा द बैलेंस ऑफ द एक्स्ट्रा डे का किस में ऐड किया जाता है, इट इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी के मंथ के अंदर आपका ऐड कर दिया जाता है ऑन एवरी फोर्थ ईयर, हर चार साल के बाद। और इस वास्ते हमारा आपका आफ्टर द एवरी फोर्थ ईयर के बाद है फरवरी हैज़ द 29 डेज रखती है इन प्लेस ऑफ द 28 डेज के स्थान पर, और डेट इज इसके कारण दिस ईयर हैज़ द 366 डेज रखता है। और आपका दिस ईयर है द 66 डेज जो रखता है डेट है आपका हैज द 29 डेज रखता है इन द फरवरी के अंदर, डेट ईयर इज कॉल्ड द लीप ईयर, उसको क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। और बेटा जो हमारा लीप ईयर वाला जो आपका जो ईयर होता है वो किससे आपका डिवाइड होता है, बाय द 4 से डिवाइड होता है। और बेटा द पाथ अलोंग विच द अर्थ मूव अराउंड द सन, और वो वाला जो पाथ है जिसके ऊपर हमारी अर्थ मूव करती है अराउंड द सन डैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, उसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और हमारी अर्थ कैसे आपके पाथ के ऊपर मूव करती है, आपका ऑन द आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट पाथ के ऊपर। और बेटा अर्थ इट्स ऑन फिक्स्ड पाथ, कैसा पाथ रखती है, फिक्स्ड पाथ होता है। और जो हमारा ऑर्बिटल पाथ होता है अर्थ का इधर आपका किस फॉर्म के अंदर पाया जाता है, आपका एलिप्टिकल आपका फॉर्म के अंदर पाया जाता है, शेप में पाया जाता है। और बेटा अर्थ मूव अराउंड द सन किस आपकी डायरेक्शन के उसमें मूव करती है, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ द अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड, किस स्पीड की आपके रिवॉल्व्स करती है, एट द स्पीड ऑफ द 30 किलोमीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड की उसमें है हमारी अर्थ रिवॉल्व्स होती है अराउंड द सन के चारों तरफ। और बेटा हमारी जो अर्थ का जो ऑर्बिट है उसकी जो लॉन्गेस्ट आपकी लेंथ है कितनी होती है, इट हैज़ अबाउट द 965 मिलियन किलोमीटर आपकी लॉन्ग है ऑर्बिट के ऊपर है हमारी अर्थ मूव करती हैं। और अर्थ इज इंक्लाइंड हमारी कितनी झुकी होती है, टूवर्ड द आपका डायरेक्शन की तरफ और आपकी थ्रू आउट द ऑर्बिट वे सेम डायरेक्शन की तरफ आपकी एक ही आपकी डायरेक्शन की तरफ आपकी झुकी रहती है, इट नेवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। नाउ बेटा कम आपका ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। नाउ
रोटेशन किसे कहते हैं और रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। रोटेशन क्या होती है, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करती है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन। वो क्या कही जाती है, रोटेशन कही जाती है। जबकि जो हमारी जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ का अराउंड द सन, जब हमारी अर्थ है मूव करती है अराउंड द सन के चारों तरफ, आपका सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, इट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। वो क्या कही जाती है, रिवॉल्यूशन कही जाती है। और बेटा जो हमारी रोटेशन है आपका कंप्लीट वन रोटेशन कब होती है, कितना टाइम लेती है, आवर अर्थ टेक 24 आवर्स, कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स के अंदर है हमारी अर्थ है वन रोटेशन आपकी कंप्लीट कर लेती है। जबकि हमारी जो रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए आवर टेक्स आपका 365 1/4 डे है वो आपका लेती है। और बेटा जो हमारी रोटेशन का मेन जो इफेक्ट है, कोज क्या होता है, डेट आर द आपका डे एंड नाइट होते हैं। जबकि हमारे जो रिवॉल्यूशन के कारण है, हमारा जो सीजनल है आपका चेंज है आपका पाया जाता है इन द आपका वेदर के अंदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।